बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रहमान दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबरक तआला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास स्पेशल वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरे पर भाई, जैसे कि आप दो जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहाड़ों पर जाते हैं, जंगली जड़ी बूटियों के फ़वाद, पहचान और तरीका इस्तेमाल आप दोस्तों को बताते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मेरे पे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खालिस कुदरती रोगने बेलसान और बेलसान के पौधे जो हम गुज़िश्ता 4-4.5 साल से पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंडिया में भी रोगने बेलसान हम सेल कर रहे हैं। इस वक्त जो वीडियो लेकर हाज़िर हूँ, आप दोस्त भी देख रहे होंगे कि आग जलाई हुई है। मैंने कुछ वीडियो के अंदर तकरीबन ख़ास स्पेशल इसके ऊपर भी मैंने बना चुका हूँ। ये है मेरे पास मुर की गूंद। ये तकरीबन बेलिस्तान के साथ मिलता जुलता पौधा होता है, उसके अंदर से निकलने वाली जो गूंद होती है, इसको ख़ुद नहीं निकाला जा सकता। खुद निकाल सकते हैं लेकिन खुद इतनी नहीं निकलती। ये खुद ब खुद कुदरती तौर पर जो निकलती है वही काबिल इस्तेमाल होती है, वही इस्तेमाल काबिल होती है। इसका तरीकाकार ये है कि इसको बलगम के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसको ज़्यादा खांसी बलगम हो, उसके अलावा ज़ख्मों के ऊपर, शुगर वाले मरीज़ का ज़ख्म जो होता है उसके ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त मुकम्मल मेरे पास तो नहीं थी, मेरे पास तस्वीर हैं, क्योंकि मुकम्मल जो मेरे पास थी मैंने पाकिस्तान भेज दी है अपने घर के इस्तेमाल के लिए। आज जो आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि आम तौर पर घर में ये मौसमी तब्दीली होती है, सर्दी गर्मी की वजह से घर में जरासीम, ये बीमारी वबा ऐसी होती है कि घर में जरासीम वगैरह होते हैं, और ये मौसम जैसे अभी चेंज हुआ तो घर में कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई किसी को खांसी लगी हुई है, तो इस तरह घर में जरासीम वगैरह होते हैं, तो जरासीम वगैरह को दूर करने के लिए ये मुर की गूंद काबिल इस्तेमाल है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको मैंने जला दिया है, आप तकरीबन जल चुकी है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर मैं अभी हाथ को ऊपर रख के अब दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतना सा मुर का पाउडर लें। इस पाउडर को आग जलती हुई आग, जैसे कोयले होते हैं, कोयले के ऊपर डालते रहें। वैसे ये जमा होती है, खुश्क होती है, बड़ी सी होती है, मैंने पीस ली है, गूंद बनी होती है, मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को जली हुई कोयले को भी जली हुई आग के ऊपर गिराते जाते हैं, और इसका धुआं जो होता है घर के कोनों में, घर में और आस पास सेन में ये दिखाते हैं। इससे आपके घर में जरासीम वगैरह, जितनी भी वबा और ये मौसमी चेंजिंग तब्दीली की वजह से जो जरासीम होते हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाते हैं। ये मैंने काफ़ी सऊदियों से, काफ़ी सऊदी बुज़ुर्गों से इसकी मालूमात लेकर आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले इसके सिर्फ फ़ायदे जो जानता था, इसके फ़ायदे बलगम के लिए या मिसाल के तौर पर ज़ख्मों के लिए, लेकिन मुझे काफ़ी सऊदी दोस्तों ने, जब मैं पहाड़ों पर जाता हूँ उतारने के लिए, रास्ते में जो मिलते हैं या उतारते हुए देखते हैं, तो क्योंकि ये मुर के पौधे नीचे भी होते हैं, पहाड़ों के ऊपर कम होते हैं, ये नीचे अक्सर ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इसलिए रास्ते में सऊदी बुज़ुर्गों से रब्ता होता रहता है, क्योंकि बेलिस्तान के पौधे सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई पर होते हैं। तो अभी मैं आपको जलाकर दिखाकर दिखाता हूँ, उसे देख सकते हैं। इस वक्त मैंने साथ में ये रख लिया है, इसका धुआं बन रहा है, मैंने जलाकर इसका पाउडर बना लिया है, इसलिए इसका धुआं कम बन रहा है। अगर साबुत जैसे मुकम्मल पहाड़ से हम लेके आते हैं, ये बाज़ार से भी मिल जाती है, जो भी हाजी हजरात मक्का मदीना आते हैं, ये जो मकसरात बादामों वाली दुकान होती है उसके ऊपर भी ये मिल जाती है, लेकिन वहाँ आपको ये ओरिजिनल नहीं देंगे, क्योंकि ओरिजिनल ये थोड़ी महंगी होती है, ये डुप्लीकेट बाज़ारों में बिकती है, डुप्लीकेट का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसको पूरे घर में भी दिखाना है, दुखाना है। ये इस तरीके से ये करें, अभी देखें हल्का हल्का सा धुआं बन रहा है, हल्का हल्का सा धुआं बन रहा है, क्योंकि मेरे घर में कोयले नहीं थे, ये मैं पड़ोसी के घर से लेकर आया हूँ, ये वहीं आग जला रहा हूँ पड़ोसी के घर में, क्योंकि यहाँ आस पास में गावा, ये जो उक्के पीते हैं, शीशे पीते हैं सऊदी अजरा, ये बैक साइड पर उसका है, वहाँ से कोयले मिलते हैं। तो ये देखें, अभी इसके मैंने दिखा दिया, इस तरीके से अपने घर के कोनों में, कमरों में, और मुझे तो कुछ सऊदी हजरात दोस्तों ने ये भी बताया कि ये घर में अगर जिन्नात का ख़तरा हो, जिन्नात जैसे आम घरों में लोग डरते हैं, जिन्नात का ख़तरा हो, तो उसके लिए भी इसको दिखाया जाता है, जैसे गूगल दिखाई जाती है, गूगल की तरह इसका पौधा और उसका, गूगल का पौधा तकरीबन एक ही जैसा होता है।
तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको इस्तेमाल करने के लिए यही तरीकाकार है घर में जरासीम ख़त्म करने के लिए। और बाकी जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है बलगम के लिए, माशाल्लाह बलगम के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, और जख्म के ऊपर लगाने के लिए मैंने उसकी भी स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, दुआ में याद रखें, खालिस कुदरती रोगन बिलसान और बिलसान के पौधे हासिल करने के लिए रब्ता कर सकते हैं।